हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? माई सेल्फ क्रिश अग्रवाल। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में करते हैं एक्सरसाइज जो अपनी 7.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 9 जो कि क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ से बेस्ड है। देख लेते हैं क्वेश्चन को हमें क्या गिवन है दोस्तों कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इन फोर इक्वल पार्ट्स। कि हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं उन पॉइंट के जो डिवाइड करते हैं किस लाइन सेगमेंट को, ए और बी से बने लाइन सेगमेंट को फोर इक्वल पार्ट में। कि मान लेते हैं जी अपना लाइन सेगमेंट हो गया कोई, ये नाम दे इसको ए और दे दिया बी। क्लियर है? ए और बी के, ए के हमें दे रखे हैं कितने, माइनस के टू एंड टू, और बी के हमें गिवन है टू एंड एट। ये है ना, माइनस के टू एंड टू, टू एंड एट किसमें करता है, फोर इक्वल पार्ट्स के अंदर। यानी इस चीज को फोर इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, एक दो तीन और चार इस तरह से। ठीक है, हमने क्या मान लिया, इन पॉइंटों को कुछ ही मान लो, हमारे किसी पी क्या हो आ, हमने ये मान लिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन के अंदर दोस्तों क्या लिखते हैं कि सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं अपना कि लेट पी क्या हो आर, क्या करते हैं डिवाइड कर रहे हैं किसको, लाइन सेगमेंट को, कौन से लाइन सेगमेंट को, ए बी को, इन फोर इक्वल पार्ट्स। हमने क्या मान लिया कि जो अपने पी क्यू आर है वो लाइन सेगमेंट ए बी को फोर इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, सच दैट कि क्या, अगर देखो कि अगर चारों पार्ट इक्वल है तो यानी ये वाला हिस्सा इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर है, तो यानी AP इक्वल है किसके, PQ के, और ये इक्वल है QR के, और QR बराबर है RB के। यानी चारों के चारों क्या है, इक्वल है। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, इस P पॉइंट को लेकर चलते हैं। ठीक है, P पॉइंट को लेकर चलते हैं, बाकी के दो पॉइंट हम भूल जाते हैं, बाकी के दो पॉइंट हम भूल गए कि कोई पॉइंट है यहाँ पे। अगर P की बात की जाए, P की बात की जाए तो इस साइड कितने हिस्से हैं, एक हिस्सा है इधर, एक दो और तीन। यानी P जो है पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है AB को 1:3 में। ठीक है, तो क्या करेंगे ना, P पॉइंट डिवाइड कर रहा है किसको, AB को इन 1:3 में, 1:3 में कर रहा है। तो इसके अंदर क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। इसके अंदर सबके अंदर वही यूज करेंगे ना अपना, बाय सेक्शन फॉर्मूला। एक बार मेंशन कर देना ऊपर, ठीक है, बार बार मेंशन करने की जरूरत नहीं है। x के लिए क्या होता है, m1 x2 प्लस में m2 x1 और नीचे क्या, m1 प्लस के m2। y के लिए भी क्या होता है, m1 y2 प्लस के m2 y1 और नीचे क्या है, m1 प्लस के m2। ये फॉर्मूला होता है, बहुत बढ़िया जी। x हमें निकालना है, निकालना है a के लिए सबके लिए, ये x1, ये y1, ये वाला x2 और ये वाला y2। करते हैं स्टार्ट, है ना। कि देखो पहले AB के अंदर, अब AB में सॉरी P के लिए ये M1 है और ये M2 है, x हमें निकालना है। M1 कितना है जी, 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई x2 कितना है जी अपना, 2 है। ठीक है, प्लस के M2 कितना है, 3 है, और x1 कितना है जी अपना, माइनस के 2 है, और नीचे कितना है जी, 1 प्लस के 3। ऐसे ही y के लिए बाद में सॉल्व करेंगे, पहले x वाला निकाल देते हैं हम। तो x इज इक्वल टू 2 1 2 प्लस माइनस माइनस 3 2 6 एंड 3 + 1 कितना बन गया, 4। तो यहां से x इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस के 4 बचेगा, नीचे भी 4 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 1 आ गया, आ गया। अब ऐसे ही निकालते हैं किसका, अपने y के लिए, y के लिए m1 ये रहा और y2 कितना है जी, y2 है जी 8 प्लस के, ठीक है 8, m2 कितना है 3 है, और y1 कितना है, y1 है जी 2 और नीचे कितना है जी 1 प्लस के 3।
y इज इक्वल टू 8 बन जा 8, 3 टू जा 6 और नीचे कितना बन गया 4। तो यहां से 8 और 6 कितने बन गए 14 डिवाइडेड में 4, 2 से कट किया 2 टू जा 4, 2 7 जा 14, यानी y कितना आ गया 7/2। एंड जो अपना कोऑर्डिनेट है, ठीक है, किस पॉइंट के अपने कोऑर्डिनेट ऑफ p कितना आया माइनस के 1 और 7/2। एक इसके आगे अपने जो p पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। अब क्या निकालते हैं, अब ऐसे ही निकालते हैं किस पॉइंट के, अब निकालेंगे जो बीच में जो अपना क्यू पॉइंट था, अगर इस पॉइंट को भूल जाए p वाले को, यहां पे कितना था क्यू था, ठीक है। अब क्यू देखा जाए तो 2 रेशो इधर है और 2 रेशो इधर है, ठीक है ना, 2 रेशो दो ले लो, या फिर क्या कहें 2 1 2 2 1 2 है ना, तो 1 रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। पॉइंट जो अपना कौन सा क्यू डिवाइड कर रहा है किसको, ए बी को, इन 1 रेशो 1 के अंदर डिवाइड कर रहा है। तो करते हैं जी, क्यू की रेशियो हमने क्या मान ली है, एक्स वाई मान ली है, ठीक है। लेट पॉइंट क्यू, अच्छा बीच में एक चीज लिखनी रह गई अपने ना, क्या कि जो पॉइंट क्या है क्या मानने है, इसके भी एक्स और वाई मानने हैं कि डिवाइड कर रहा है ए बी को इन 1 रेशो 1 के अंदर। एक्स अपने को निकालना है तो अपना एम वन कितना है जी 1 है, एक्स टू कितना है जी 2 है, प्लस के 1 मल्टीप्लाई एक्स 1 यानी माइनस के 2 और नीचे 1 प्लस के 1। तो एक्स इज इक्वल टू 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस एन 2 1 जा 2 नीचे आ गया 2। तो यहां से 2 - 2 कितना बनेगा अपना, यहां से बनेगा जी 0 डिवाइड में 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अब ऐसे ही निकालते हैं y की, तो 1 मल्टीप्लाई में यानी अपना y2 कितना है जी 8 है, प्लस के 1 मल्टीप्लाई जो y1 है, y1 की वैल्यू है जी 2 और नीचे 1 प्लस के 1, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है चीजें, पक्का बता देना, जो डाउट तो कमेंट कर दियो। 8 बन जा 8 एंड 2 बन जा 2 एंड 1 प्लस 1 2। तो y की वैल्यू यहां से 8 प्लस 2 कितना बन गया 10, नीचे 2 से कट हुआ 5, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 5। यानी जो अपने कोऑर्डिनेट होंगे किस पॉइंट के ऑफ क्या ये कितने आ गए 0 एंड 5, है ना, p के आगे q के आगे। अब किसके निकालेंगे जी, हम मान लेते हैं किस पॉइंट को r पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे, तो r के देखो इधर 1 2 और 3 तीन रेशियो है, इधर कितना है 1 है, यही है। तो क्या करेंगे कि अब यहां से जो पॉइंट कौन सा r को क्या माना xy डिवाइड कर रहा है किसको, ए बी को, कितने रेशियो आगे दोस्तों 3 रेशियो इन 3 रेशियो 1। देखिए अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना m1 कितना है जी 3 है, मल्टीप्लाई में क्या आएगा m1 x2 कितना है जी 2 है, बिल्कुल सही बात है। तो 1 मल्टीप्लाई में x1 कितना है जी माइनस के 2 है, बहुत बढ़िया, नीचे क्या बन जाएगा 3 प्लस के 1। x इज इक्वल टू 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, तो 3 प्लस 1 कितना बन गया 4, 7 2 कितना बचा 4, नीचे भी 4 से 4 कट हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब ऐसे निकाल दोस्तों y की, अपना क्या है m2 कितना है जी सॉरी m2 हाँ बिल्कुल पहले m1 आएगा, क्या बोल रहे हो, m1 कितना आएगा 3, मल्टीप्लाई में क्या अपना x y2 कितना है जी 8 प्लस के 1 मल्टीप्लाई में y1 कितना है 2 और नीचे क्या है 3 प्लस के 1। तो y इज इक्वल टू 3 8 जा 24, 2 1 जा 2, 3 प्लस 1 कितना आ गया 4। तो y इज इक्वल टू पहले यहां पे कर देते हैं 24 और 2 कितना बन गया 26, नीचे 4 तो 2 2 4 2 से कटा 13, तो यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 13/2। यानी जो अपने कोऑर्डिनेट होंगे किसके r के कितने आ गए 1 एंड 13/2, यही हमें निकालना है दोस्तों। ये तो होगी किस पॉइंट के, r पॉइंट के, बहुत बढ़िया जी। ये किसके हो गए अपने क्या पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये हो गया, एंड थर्ड पॉइंट इज दिस, है ना, यही 3 पॉइंट निकालने थे, है ना,
P पॉइंट हो गया, Q पॉइंट हो गया, R पॉइंट हो गया, है ना। तो P, Q और R इन तीनों के हमें क्या निकालने थे, रेशियो को, सॉरी जो पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है, वो हमें फाइंड आउट करने थे। दोस्तों यहाँ खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 9। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। कुछ भी कैसा भी डाउट है नीचे कमेंट कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर पूछना का हो तो वहां भी पूछ सकते हैं, आपको आंसर जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।